एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल। आई एम आल्सो गुड नाउ। बस थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मैंने कुछ न्यू साइट पे खुद को इन्वॉल्व कर दिया है, और जब आप किसी न्यू चीज़ में इन होते हो ना, तो वो चीज़ आपको मतलब फुल टाइम चाहिए होता है उसको सीखने में, उसको समझने में। कोई भी चीज़ आपको बनी बनाई या आप ऑलरेडी उसके लिए तैयार नहीं होते हो, हाँ ये चीज़ मुझे तो पहले ही आती है। जितनी भी कुछ आपको आता हो, जितना मर्ज़ी आपको पता हो हर चीज़ का, लेकिन आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो बस मैं उसी साइड पे थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, और आप लोग दुआ करना कि सब कुछ बेहतर हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि छोटे बच्चों को हैप्पी रखने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। तो न्यूली मॉम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा के लिए 4 माह की जब वो हो गई थी ना, मैंने उसको तब से देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे की भूख बढ़ती जाती है तो उसको कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ी क्वांटिटी में दें, थोड़ी लिक्विड ही दें, बट आप एकदम से 4 माह से या 5 माह से अगर आपका आपको लगता है बेबी डाइजेस्ट नहीं करेगा, 5 माह के बाद तो आप स्टार्ट करवा सकते हैं ये। मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी मैंने सूजी लिया है और इसको मैंने अच्छे से भून लिया। जब इसका कलर बहुत प्यारा गोल्डन हो गया ना, तो मैं इस तरह से इसको जार में डाल के तो इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये वैसे भी एयर टाइट कंटेनर है, और इसको मैं जो है बाद में फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो कीड़े या सूनियाँ वगैरह लग जाती हैं। तो इस तरह से इसको मैं सेव कर लेती हूँ, और जैसे ही मुझे लगता है, मैंने एक टाइम फ़िक्स किया हुआ है, तकरीबन शाम का जो टाइम होता है ना, मैं उस टाइम पे फ़िक्स किया हुआ है कि मैं मिर्हा को एक टाइम पे ये लाजमी दिन में दे देती हूँ। जैसे मैं महमत के टाइम पे मैंने ये काम नहीं किया, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अभी तक डिस्टर्ब हूँ कि महमत को खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने मिर्हा को अभी से स्टार्ट कर दिया है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से ये मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, और फिर जब मुझे पता होता है मैंने मिर्हा को खाना खिलाना है, उससे आधा घंटा पहले मैं ये बना के रख लेती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पर रहे और आराम से उसको खिला दूँ। लेती हूँ मैं इसमें एक डोंगी, मैंने इसमें दूध लिया है, और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी। चले थोड़ी और ऐड कर देते हैं, बच्चा थोड़ा खुश होकर खा लेगा। तो उसमें बस आपने क्या करना है कि एक चम्मच ये लेना है और इसमें डाल देना है। ये ऑलरेडी भुनी हुई है, आपको ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो लोग सीरियलैक देते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ ये है। सूजी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बच्चों के लिए ताकत वाली होती है, तो बच्चों के लिए तो बेस्ट चीज़ है ये वाली। मिर्हा को क्योंकि पहले मैंने लिक्विड ही फॉर्म में देना स्टार्ट किया था, अब जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से थिक देती हूँ, वो शौक से इस तरह ज़्यादा शौक से खाती है। बिजी मॉम्स के लिए टेक्निक्स बहुत ज़बरदस्त है कि आप इस तरह से इसको बना के रख लें, एक ही दफ़ा फ्रिज में रख दें इसको बना के, और बच्चे का एक टाइम फिक्स कर लें जब बच्चे को आपने खिलाना है, और बच्चे को हैबिट अभी से ही डालनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा आप वेट करते हो ना कि बच्चा बड़ा होगा तो खाना स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह महमद 5 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी स्टिल मुझे उसको खाना खुद खिलाना पड़ता है। तो अभी से बच्चों, छोटे बच्चों में आदत डालनी पड़ती है कि वो उसको अच्छे से खाना खाना आना चाहिए और हर चीज़ खिलानी चाहिए। और भी बहुत सी रेसिपीज़ है जो मिर्हा को मैं खिलाती हूँ, वन बाय वन मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, और वो भी शेयर करूँगी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं कुछ नया स्टार्ट किया है और टाइम आने पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए बाय। I'm